हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी सब्जी बगीचा से आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। साग सब्जियों का हमारे दैनिक भोजन में महत्वपूर्ण स्थान है। विशेषकर शाकाहारी के जीवन में आजकल लोगों को शुद्ध सब्जी मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए आप अपने घर के आंगन में, घर की छत पर, या अगर आपके पास कोई जमीन है तो आप आसानी से सब्जी बगीचा बना सकते हैं। इससे आपको शुद्ध सब्जियां भी मिलेंगी और साथ ही आप इन सब्जियों को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। साग सब्जी भोजन में ऐसे पोषक तत्वों के स्नेह हैं, हमारे स्वास्थ्य को ही नहीं बढ़ाते बल्कि उसके स्वाद को भी बढ़ाते हैं। पोषाहार विशेषज्ञों के अनुसार संतुलित भोजन के लिए एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 85 ग्राम फल और 300 ग्राम साग सब्जियों का सेवन करना चाहिए। परंतु हमारे देश में साग सब्जियों का वर्तमान उत्पादन स्तर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की खपत के हिसाब से मात्र 120 ग्राम है। इसीलिए हमें इनका उत्पादन बढ़ाना चाहिए। सब्जी बगीचा के लिए स्थल चयन, सब्जी बगीचा के लिए स्थल चयन में समिति विकल्प है। हमेशा अंतिम चयन घर का पिछवाड़ा ही होता है, जिसे हम लोग बाड़ी भी कहते हैं। यह सुविधाजनक स्थान होता है क्योंकि परिवार के सदस्य खाली समय में साग सब्जियों पर ध्यान दे सकते हैं तथा रसोई घर व स्नान घर से निकलने वाला पानी आसानी से सब्जी की क्यारी की ओर घुमाया जा सकता है। सब्जी बगीचा का आकार भूमि की उपलब्धता और व्यक्तियों की संख्या पर निर्भर करता है। सब्जी बगीचा के आकार की कोई सीमा नहीं है, परंतु सामान्य रूप से वर्ग की अपेक्षा समकोण बगीचा को पसंद किया जाता है। 4 या 5 व्यक्ति वाले औसत परिवार के लिए 1 से 20 एकड़ जमीन पर की गई सब्जी की खेती प्राप्त हो सकती है। स्वच्छ जल के साथ रसोई घर एवं स्नान घर से निकलने वाले पानी का उपयोग कर घर के पिछवाड़े में उपयोगी साग सब्जियां उगाने की योजना बना सकते हैं। इससे एक तो एकत्रित अनुप्रयोगी जल का निष्पादन हो सकेगा और दूसरे उससे होने वाले प्रदूषण से भी मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही सीमित क्षेत्र में साग सब्जी उगाने से घरेलू आवश्यकताएं की पूर्ति भी हो जाएगी। सबसे अहम बात यह है कि सब्जी उत्पादन में रासायनिक पदार्थों का उपयोग करने की जरूरत भी नहीं होगी। यह एक सुरक्षित पद्धति है तथा उत्पादित साग सब्जियां कीटनाशक दवाइयों से भी मुक्त होंगी। पौधे लगाने को खेत तैयार करना, सर्वप्रथम 30 से 40 सेंटीमीटर की गहराई तक कुदाली या हल की सहायता से जुताई करें। खेत से पत्थर, झाड़ियां एवं बेकार के खरपतवार को हटा दें। खेत में अच्छे ढंग से निर्मित 100 किलोग्राम कृषि खाद चारों ओर फैला दें। आवश्यकता के अनुसार 45 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर की दूरी पर मेड या क्यारी बनाएं। सीधे बुवाई की जाने वाली सब्जी जैसे भिंडी, बीन और लोबिया आदि की बुवाई मेड या क्यारी बनाकर की जा सकती है। दो दो पौधे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाए जाने चाहिए। प्याज, पुदीना और धनिया को खेत के मेड पर उगाया जा सकता है। प्रतिरोपित फसल जैसे टमाटर, बैंगन और मिर्च आदि को 1 महीना पूर्व में नर्सरी बेड या मटके में उगाया जा सकता है। बुवाई के बाद मिट्टी से ढककर उसके ऊपर 250 ग्राम नीम के फली का पाउडर बनाकर छिड़काव कर किया जा सकता है ताकि इसे चींटियों से बचाया जा सके। टमाटर के लिए 30 दिनों की बुवाई के बाद तथा बैंगन, मिर्ची और बड़ी प्याज के लिए 40 से 45 दिनों के बाद पौधे को नर्सरी से निकाल दिया जाता है। टमाटर, बैंगन और मिर्च को 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर मेट या उसके सटाकर रोपाई की जाती है। बड़ी प्याज के लिए मेड के दोनों ओर 10 सेंटीमीटर की जगह छोड़ी जाती है। रोपण के तीसरे दिन पौधों की सिंचाई की जाती है। प्रारंभिक अवस्था में यह प्रतिरोपण को 2 दिनों में 1 दिन बाद पानी दिया जाए और तथा बाद में 4 दिनों के बाद पानी दिया जाए। सब्जी बगीचा का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना है तथा वर्ष भर घरेलू साग सब्जियों की आवश्यकता की पूर्ति करना है। कुछ पद्धतियों को अपनाते हुए इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। बगीचा के एक छोरे पर 12 माही पौधे को उगाएं। इससे इनकी छाया अन्य फसलों पर न पड़े तथा अन्य साग सब्जियां फसलों को पोषक
पोषण दे सके। बगीचे के चारों ओर तथा आने जाने के रास्ते का उपयोग विभिन्न अल्पावधि हरी साग सब्जी जैसे धनिया, पालक, मेथी, पुदीना आदि उगाने के लिए किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अभी मेरे चैनल श्यामा टिप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।